मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप 1,000 से लेके 60,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं और इस लिमिट को आप इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड आपको 35 दिन का यहाँ पे मिलने वाला है। तो 35 दिन के टाइम के साथ आप इसकी लिमिट को 0% इंटरेस्ट पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है एकदम आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, तो अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे को लिमिट मिली थी, तो पूरे 10,000 रुपए की हमारे को यहाँ पे लिमिट मिली थी, जिसमें से मैंने 4912 रुपए यहाँ पे यूज कर रखे हैं। साथ में मेरी अवेलेबल लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,088 रुपए मेरी यहाँ पे बची है। तो यहाँ पे लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे मायने नहीं रखता। आज मैं आपको बताऊंगा कितने सिबिल स्कोर के ऊपर मुझे यहाँ पे 10,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा सिबिल स्कोर था 318 सिबिल स्कोर था और CRIF का जो सिबिल स्कोर था यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने आपको ये 318 सिबिल स्कोर के ऊपर मुझे यहाँ पे पूरे 10,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे वन टैप में इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अलग से सब बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा पूरे 35 दिन का टाइम मिलेगा, 0% इंटरेस्ट पे आप 35 दिन तक इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आप इसको इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अमाउंट को यूज किया, तो यहाँ पे यूज अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे ड्यू डेट भी यहाँ पे आ रही है। तो अभी मुझे 5 दिसंबर को इसके यहाँ पे रिपेमेंट करनी है, तो पूरे 35 दिन का मुझे इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई योर बैंक अकाउंट एक्सेप्ट 30,000। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे वेरीफाई करके 30,000 रुपए का इंस्टेंट लोन भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको जो मतलब कि यहाँ पे जो ट्रांसफर किए थे, तो 999 रुपए मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे। साथ में उसके बाद मैंने 2,059 रुपए ट्रांसफर किए, साथ में यहाँ पे 1,853 रुपए मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे लिमिट भी मिल जाएगी और आप इस लिमिट को 35 दिन के टाइम पीरियड के साथ 0% इंटरेस्ट पे इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको 1,000 रुपए का कैशबैक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप इसकी क्रेडिट कार्ड की यहाँ से रिपेमेंट करते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की रिपेमेंट करनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप इस एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे रिपेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको यहाँ पे पूरे 35 दिन के साथ आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है या आप यहाँ से पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे 8 से 10 घंटे यहाँ पे लग सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत होती है, यहाँ पे नीड हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे टर्मिनल कंडीशन पे चल के आप सारी इनकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे आप लो सिबिल स्कोर के ऊपर यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं, तो सारा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो का यहाँ पे पूरा देखना, बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो बिल्कुल भी आप यहाँ से जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसको वहाँ पे यूज करके आप यहाँ पे लिमिट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, 318 सिबिल स्कोर है, तो जब भी आपको इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे सैलरी पर्सन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चूज करना है। तो अगर आप सैलरी पर्सन वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे तो 99% चांस है कि आपको इस एप्लीकेशन से 1,000 से लेके 60,000 की लिमिट यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिसिंग डेट, अगर आप यहाँ से किसी प्रकार से अपनी डेट को ड्यू करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे भारी भरकम चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 35 दिन का टाइम मिल रहा है, 1 रुपये का भी चार्ज नहीं दे रहा, तो आपको इसकी रिपेमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रोकनी। तो आपको उसको जो रिपेमेंट है एकदम टाइम से करते रहना, जैसे जैसे रिपेमेंट टाइम से करते रहेंगे आपकी लिमिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, बैक चलने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा ऑप्शन आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे रेंटल ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो जैसे ही रेंटल ऑप्शन पे टैप करेंगे तो मैं अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये की लिमिट को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे जिप पे लेटर का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेरा पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हमारे को क्रेडिट कार्ड से इसकी रिपेमेंट नहीं करनी। तो हमारे को लिमिट देख सकते हैं 5,088 रुपए हमारे यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है। पे लेटर की इंस्टेंट आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्स फीस आपके यहाँ पे 59 रुपए लगने वाली है और 2,059 रुपए आपके यहाँ पे लगेंगे और 2,000 रुपए बैंक में आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको 1 रुपये का भी यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज नहीं लग रहा, सिर्फ 59 रुपए का ही आपके ऊपर चार्ज लग रहा है। अगर आप यही लोन किसी और एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं आपको 15 दिन का 1500 रुपए
₹100 यहाँ पे चार्ज लग रहा है, तो आपको इस एप्लीकेशन पे ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा। इंस्टेंट आप इस एप्लीकेशन से अच्छी खासी यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है मोबिक्विक यूपीआई बिल पे। तो यहाँ पे आप ₹60,000 का लोन भी ले सकते हैं, साथ में पे लेटर सर्विस भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जिसकी रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.4 की इसकी रेटिंग है, और जिसके डाउनलोड भी यहाँ पे काफी अच्छे इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो अगर आपको लोन की इमरजेंसी है, पे लेटर की इमरजेंसी है, तो आप मोबिक्विक एप्लीकेशन जैसे इंस्टेंट और सिंपल पे जाके पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है और आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको इंस्टेंट इस एप्लीकेशन से 1,000 से लेकर 60,000 के बीच की लिमिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे इंस्टेंट 10,000 की यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। अगर आप मैं इसकी रिपेमेंट को टाइम से करता रहूंगा, इसकी मेरी जो लिमिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को जो 10,000 की लिमिट मिली है, इसको आप इंस्टेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको आपको टाइम मैंने आपको दिखा दिया कि कितना चार्ज आपके ऊपर लगने वाला। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।